जय हिंद और नमस्कार साथियों, मैं ध्रुव जानी आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस संशोधित संपादकीय विशेषण के सत्र में जो ग्रोथ फंड यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। आज दरअसल हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से जो लेख छपे हैं, जो प्रदर्शित हुए हैं, उनमें से अधिकांश लेख ऐसे हैं जिन विषयों के ऊपर हमने बात कर ली हो। एक ही विषय, एक ही लेख हमें आज मिला है जिनके ऊपर अभी बात नहीं हुई है। और ये मुद्दा, जैसे आपको दृश्यमान इसका टाइटल कैपिटल एनार्की, यानी कि हमारे हमारी राजधानी में जो अराजकतापूर्ण माहौल जो था, जिसको हमने देखा इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में, पूरे देश ने देखा कि कैसे किसान आंदोलन के नाम पर जो अफरा तफरी मची थी, जो अराजकताएँ फैली थी, ठीक है, उनके ऊपर यह लेख है। अगर परीक्षा संबंधी विषय की बात करें तो जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी के विषय के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी एंड इट्स चैलेंजेस के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं, यानी कि आंतरिक सुरक्षा व उसकी चुनौतियां। मगर आज की जो चर्चा रहेगी वो थोड़ी हमारी परीक्षा की तैयारी से थोड़ी भिन्न रहेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ 3-4 मुद्दों पर ये जो पूरी घटना बनी, ये जो पूरी शर्मनाक घटना थी, उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। एज यू कैन सी ऑन द अदर साइड, एक प्रोटेस्टर है जो इस फार्म आंदोलन से जुड़ा है और वो दरअसल एक वृद्धि के ऊपर आक्रमण करने वाला है या अटैक करने वाला है। और हमने वो भी देखा, कई सारे विजुलाइज देखे, ये आक्रमण जो है दरअसल वो एक सैनिक के ऊपर हुआ है, मगर ये वर्दीधारी सैनिक है और इसीलिए यह एक भारत का प्रतीक है। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो ये हमला जो है वो दरअसल भारत संस्थान के ऊपर हुआ है, भारत देश के ऊपर हुआ है। देखेंगे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं वो भी देखेंगे, प्लस ये जो अराजकतापूर्ण माहौल बना रिपब्लिक दिवस के अवसर पर, उसका क्या क्या कारक थे वो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे लेख की तस्वीर से शुरू करेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि आज की चर्चा थोड़ी भिन्न रहेगी, तो हम लोग यहाँ निष्कर्ष व महत्वपूर्ण बातों को जो है यहाँ हम नहीं देंगे, मगर हम लोग एक मौलिक रूप से इस पूरी चर्चा को करने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह टाइम्स ऑफ इंडिया से छपा हुआ लेख है और कैपिटल एनआरकी इसका टाइटल है, जिसमें सबटाइटल दिया गया है कि फार्मर्स डिविएटिंग फ्रॉम पीसफुल प्रोटेस्ट रूट सीवियरली डिस्क्रेडिट्स देयर मूवमेंट। ऐसा लिखा गया है कि जो आज दिन तक, जो 2 महीनों से चल रहा था आंदोलन, जो आज दिन तक एक शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम से जाना जाता था, यह आंदोलन ने एक ऐसा स्वरूप लेके, 26 जनवरी को एक ऐसा स्वरूप लेके पूरे आंदोलन की छवि को ही बर्बाद कर दिया, पूरे आंदोलन को ही बेइज्जत कर दिया, साथ ही में किसानों को भी बेइज्जत कर दिया। क्योंकि जो 25 जनवरी 2021 तक हमारे भारतवासियों के जो पर्सपेक्टिव में जो किसान था, वो 26 जनवरी दोपहर 12 बजे के बाद वो पर्सपेक्टिव ही पूरा चेंज हो गया। अब सामान्य नागरिक को यह आंदोलन जो है वो एक एंटी इंडिया मूवमेंट जो है दिखाई देने लगा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा ही सेटबैक है, यह आंदोलन में भी सेटबैक है, प्लस यह कृषकों के छवि में भी यह बहुत ही बड़ा सेटबैक है। हम लोग आगे इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस पूरी चर्चा को हम लोग 4 बिंदु पे इसको विभाजित करके देखने का प्रयास करेंगे, 1 by 1 देखेंगे। सबसे प्रथम बिंदु रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। विस्तृत से हम लोग अभी आएंगे एक एक मुद्दे पर, मगर ब्रीफली हम लोग पहले हेडिंग लिख लें, फिर उसके बाद इंटरैक्शन। फिर उसके बाद एंटी इंडिया एलिमेंट, जो हमें 26 जनवरी को देखने को मिला। जब ये उपद्रवियां फुदक फुदक कर लाल किले पर जो है निशान साहब का झंडा फैला रहे थे, तब हमने इसमें ऑल इंडिया जो एंटी इंडिया है, सॉरी, तब हमने इसमें एंटी इंडिया एलिमेंट के दर्शन किए, हमने उसकी झांकी देखी। और साथ ही में जो चौथा मुद्दा है वो रहेगा किसान टुडे। ठीक है, तो हम लोग हमारी चर्चा इस 4 बिंदुओं के तहत करेंगे, जिसमें अलग अलग जो बातें जो है, जो चीजें हैं, वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से। हमें मालूम है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, और हमारा जो संविधान है वो यहाँ का कानून है, इट इज अ लॉ ऑफ लैंड। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी भी आपत्ति के लिए, किसी भी आपत्ति के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए कोई भी नागरिक को हक देता है, ठीक है। तो
ये तो 100% निश्चित बात है कि किसानों को अगर कोई आपत्ति है नए कानूनों के बारे में तो वे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उसमें में कोई शंका नहीं है, दे कैन प्रोटेस्ट। दे कैन प्रोटेस्ट, मगर एक मर्यादा होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जो 2 महीने से तो हमें दिख रहा था, 2 महीने से यह कुछ 5-7 हजार लोग जमा हुए थे दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो चाहे वो यूपी गेट हो, मगर जो 26 जनवरी को जो हुआ वो सहन नहीं किया जा सकता। वो एक बहुत ही कलंक समान घटना थी, वो एक लोकतंत्र, भारत जैसे लोकतंत्र के ऊपर, भारत जैसे विश्व के बड़े लोकतंत्र के ऊपर एक कलंक समान घटना थी, जिसको हम लोग जो है टॉलरेट नहीं कर सकते, या किसी भी सरकार जो है वो भी टॉलरेट नहीं कर सकती, ठीक है। प्लस देखिए, यहाँ प्रोटेस्ट की बात सही है, इसमें कोई हमें शंका नहीं है, मगर जैसे फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये कानून जो है वो वापिस ही लेने हैं, हम जो है इसके ऊपर एक इंच भी जो है हम पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट का तरीका जो है वो अपने आप में गलत तरीका है। क्योंकि ये लोग दरअसल हमारी जो लॉ फ्रेमिंग सिस्टम है, हमारी जो विधि बनाने की जो प्रक्रिया है, वे इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। दे आर क्वेश्चनिंग अवर प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग लॉ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, या आप कह लीजिए फ्रेमिंग लॉ। ये लोग लोकसभा को नहीं मान रहे, ये लोग राज्यसभा को नहीं मान रहे, ये लोग संसद को नहीं मान रहे हैं, ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रस्थापित जो प्रक्रिया है वे लोग उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। तो वैसे तो जरूरी नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, लोकसभा राज्यसभा को बंद कर देते हैं, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को कह देते कि भाई आप भी अपने घर जाओ, फिर आप लोग दिल्ली में ट्रैक्टर घुमाओ, ठीक है। तो अपने आप में ये एक अनडिसिप्लिन्ड प्रोटेस्ट है जो 26 जनवरी दोपहर 12 बजे के बाद हुआ, ये आपको ठीक से समझना है। 25 जनवरी तक यह प्रोटेस्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोटेस्ट था और पूरे विश्व में यह प्रोटेस्ट की नोंद भी ली गई थी कि अगर आपको किसी भी सरकारी नीतियों से आपत्ति है, अगर आप इसका विरोध करना चाहते हैं, तो आप देखो भारत में कैसे 2 महीनों से 5-7-10 हजार कृषक जो है वे बैठे हैं सरकार के सामने, वो किसी एक नए जो है सुधार का विरोध कर रहे हैं, मगर वे लोग शांतिपूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। तो 25 जनवरी तक तो उन लोगों की मिसालें दी जाती थी पूरे विश्व में, ठीक है, मगर 26 जनवरी दोपहर 12 बजे से जो विजुअल सामने आया, जो मीडिया कवरेज में हमने देखा, वहां से आज जो 130 करोड़ भारतीय है उनको धक्का लगा है, उनको जो है दुख पहुंचा है, उनको चोट लगी है, ठीक है। तो ये बात रही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की, तो हमें यहाँ यही देखना है कि फार्मर्स है, उन लोगों को नए कृषि सुधारों से आपत्ति है, तो वे निसंदेह प्रोटेस्ट करें, वो उसका संवैधानिक अधिकार है, मगर ये प्रोटेस्ट संवैधानिक होना चाहिए, ये असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, ये गैर संवैधानिक नहीं होना चाहिए, ये बात हमें यहाँ देखनी है। प्लस किसान है, हमें सबको मालूम है कि वे हमारा पेट पालते हैं, जब वो कड़ी धूप में अनाज उगाते हैं तो हम लोग खाते हैं, तो हमारे जो है हमारी थाली में अनाज आता है, ये बात अच्छी है। यह अन्नदाता जो किसान है यह था 25 जनवरी तक, यह था, मगर अब वो एक उपद्रवी बन गया है, इसमें संपूर्ण रूप से इन लोगों की ही भूल है। क्योंकि यह पूरे आंदोलन में जब से एंटी इंडिया एलिमेंट्स घुसने लगे, तो उन लोगों को तभी उन लोगों को रोक लेना चाहिए था कि भाई हम लोग भारतीय सरकार की नीतियों के खिलाफ है, हम लोग भारत के खिलाफ नहीं है, मगर इन लोगों ने नहीं रोका। बाद में इन लोगों ने मीडिया को भी वहां से खदेड़ दिया, जो यह पूरे प्रोटेस्ट को कवर अप कर रहा था, मीडिया, दे सेंट बैक मीडिया, मगर इन लोगों ने एंटी इंडियन एलिमेंट्स को वापस नहीं खदेड़ा, इन लोगों ने खालिस्तानियों को वापस नहीं खदेड़ा। जैसे हमने कवर देखी थी कि एक फार्मर जो है, एजेड फार्मर, वो एक वर्दीधारी जो है सैन्य बल के जवान के सामने यह तलवार उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, मगर इन लोगों ने आक्रमण यह एंटी इंडियन एलिमेंट के ऊपर नहीं किया है।
वहाँ इन लोगों ने भिंद्रन वाले के पोस्टर्स लगवाए, वहाँ उन लोगों ने जो खालिस्तान के झंडे जो है वे लहराए, मगर इन लोगों ने उनको ना नहीं बोली, इन लोगों ने यानी कि प्रोटेस्टर्स ने, ठीक है। तो ये इन लोगों की एक गंभीर भूल थी। प्लस दूसरी बात, खालिस्तान का कोई ऐसा इंस्टीट्यूटेड फ्लैग नहीं है, ठीक है। वे लोग आमतौर पर जो निशान साहिब है, जो आमतौर पर गुरुद्वारा साहिब के ऊपर लगता है, वे उसका ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो हमें खबरें भी आ रही है, मीडिया में से भी खबरें आ रही है कि लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा ले रहा है, तो दरअसल मैं आपको यह एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो झंडा खालिस्तान का नहीं है, वो निशान साहिब है, और वो निशान साहिब गुरुद्वारा साहिब के ऊपर लगता है, जिसकी इज्जत सिख तो करते ही है मगर साथ में हिंदू भी करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही पवित्र निशान है और कुछ उपद्रवियों ने इनका गलत इस्तेमाल किया और हमारे पूरे लोकतंत्र के ऊपर कलंक लगा दिया। ये बात रही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की। प्लस अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये हम समझ गए कि भाई किसानों को आपत्ति है, कोई बात नहीं, मगर अगर इनको आपत्ति है तो इसका सॉल्यूशन निकाले, मगर इन लोगों को फंडिंग आ रही है बाहर से, और धीरे धीरे जब से आंदोलन शुरू हुआ तो थोड़े दिनों के बाद ही इन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, हम तो शक्तिशाली है, हम तो अन्नदाता है, क्योंकि हम लोग यह अन्नदाता दंडदाता कह के इन लोगों को हमने सर पे बिठा रखा है। तो इसीलिए वे लोग जो है अहम के नशे में चूर थे, और इसीलिए ये लोग सॉल्यूशन के ऊपर राजी नहीं हुए। ये लोगों ने क्या कहा कि हमारी एक ही मांग है कि जो कानून है वो वापिस ले लो, वापिस ले लो, तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे। और ऐसे विजुअल हमने आमतौर पर देखे भी है, कई सारे किसान नेता है वे ऐसी अपील करते रहे, ठीक है। तो भाई सॉल्यूशन ऐसे तो नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन तो आप सरकार के सामने बैठो, क्लोज बाय क्लोज पूरा एक्ट देखो, ठीक है, उसमें जो आपत्ति है वो आप सरकार को बोलो कि भाई ये क्लोज हटा दो, ये प्रोविजन हटा दो। अगर एमएसपी का मसला है तो एमएसपी के बारे में गारंटी आप ले लो, सरकार से लिखित गारंटी ले लो, लॉ में कानून में लिखवा लो, मगर एक चौकअप करना यह कहां तक वाजिब है, यह सही बात नहीं है। तो वैसे तो जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारी जो प्रस्तावित प्रक्रिया है संविधान के द्वारा, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, सब लोगों को घर भेज दो, लोकसभा राज्यसभा को जो है खत्म कर दो, ठीक है। वैसे तो हमारे संविधान की भी जरूरत नहीं है, जो ज्यादा भीड़ जिसके पास होगी वो बन जाएगा भारत का तानाशाह, ठीक है। तो ऐसा इंटरेक्शन जो है वो सही नहीं है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि इन लोगों को लगने लगा कि हम तो शक्तिशाली है, पूरे भारत की सिंपथी मिलने लगी कि यह अन्नदाता है, आज अन्नदाता जो है वो धूप में जो है खड़ा है, आज अन्नदाता बारिश में जो है अपना आंदोलन कर रहा है, तो दे गेन द सिंपथी ऑफ एंटायर नेशन। मगर यह सिंपथी एक ही सेकंड में वेनिश हो गई, एंड इट वॉज आफ्टर द टाइम ऑफ 12 PM एट 26th of January, यानी कि दो दिन के पहले, ठीक है। तो यह इंट्रोडक्शन की गलत बात है, इन लोगों को इंट्रोडक्शन एक अच्छी तरीके से करना चाहिए, सरकार के सामने बैठ के इसका समाधान निकालना चाहिए, मगर ये लोग ब्लैकमेल की राजनीति कर रहे हैं, सरकार को दबाकर, सरकार को ब्लैकमेल करके ये कानून वापस जो है करवाना चाहते हैं। तो ऐसे तो सरकार ब्लैकमेल नहीं होगी, तो वैसे तो कोई भीड़ जमा कर आएगा दिल्ली में कि भाई आप 370 जो आर्टिकल है उसको भी वापस डाल दो, उसका जो एब्रोगेशन है उसको कैंसिल कर दो, 35A फिर से इम्प्लीमेंट कर दो कश्मीर में, CAA NRC वो सबको वापस ले लो, तो ये सब भीड़ जमा कर देंगे। अगर ब्लैकमेल से इंटरेक्शन हो पाता तो ये सब चीजों के लिए भीड़ जमा हो जाती, मगर इट इज नॉट द ट्रू वे। आपको किसी कानून से आपत्ति हो सकती है, आपको किसी कानूनी प्रावधान से आपत्ति हो सकती है, ठीक है, मगर आपको पूरी एस्टेब्लिशमेंट से ही आपत्ति है, तो ये एक गलत बात है, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो ये मुद्दा, ये मसला रहा इंटरेक्शन का। बाद में अगर एंटी इंडिया एलिमेंट की बात करें तो हमने देखा कि इन लोगों ने रोका ही नहीं अपने आंदोलन में, ऐसे एंटी इंडियन एलिमेंट्स को पहले से अगर रोक दिया होता तो 26 जनवरी को जो हुआ वो नहीं हुआ होता, और 26 जनवरी से जो हुआ उससे देश तो
कलंकित नहीं होगा, मगर इससे जो कृषकों का समुदाय है वो कलंकित हो गया। कृषक समुदाय वो आज कलंकित हो गया, जो पिछले 1000-2000 वर्ष में इन लोगों ने जो अपनी इमेज बनाई थी, जिसको सारे डेमोग्राफी की सिंपथी मिलती रहती थी, वो इमेज वेनिश हो गई, वो इमेज खत्म हो गई और कलंकित हो गई, क्योंकि इन लोगों ने एंटी इंडिया इंडियन एलिमेंट्स को नहीं रोका। और जब हिंसा चल रही थी और हिंसा के बाद भी इन लोगों को लगा कि भाई ये तो सब कृषकों के नाम पर ही आने वाला है इनकी जिम्मेदारी यह पूरी हिंसा की, तो अब ये जो कृषक नेता थे वो अपने आप को इस हिंसा से अलग करने लगे कि भाई जो ये जो तोड़फोड़ करने वाले थे, जो हिंसा करने वाले थे, वो उनमें से नहीं थे, वो कोई अलग लोग थे। तो कौन थे, ठीक है, कौन थे जो आपके बीच में थे और आपको मालूम भी नहीं पड़ा। तो कुल मिलाकर इन लोगों ने जब एंटी इंडियन एलिमेंट्स को रोकना चाहिए था तब इन लोगों ने नहीं रोका, तब इन लोगों ने उसको प्रमोट किया क्योंकि मजा आ रहा था। द होल प्रोटेस्ट वॉज गेनिंग पब्लिसिटी, मीडिया कवरेज मिल रहा था, फंड भी आ रहे थे, ठीक है। इसलिए तो मैंने बताया कि इन लोगों ने भिंडन वाले के पोस्टर को नहीं उतरवाया, इन लोगों ने खालिस्तान के झंडे को जो है, या निशान साहब के झंडे को खालिस्तानी के तौर पर यूज किया। और आज अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आज दिन तक पूरा देश जो है वो किसानों के साथ था कि भाई कानून भले ही कितने भी अच्छे हो, एक बार मान लेते हैं कानून अच्छे हैं मगर किसानों को समझ नहीं आ रहे हैं तो भी कानून को छोड़ देना चाहिए। यहाँ तक सरकार भी राजी हो गई थी कि हम लोग 1-1.5 सालों तक यह कानून को मौकूफ रखेंगे, इसको लागू नहीं करेंगे, हम लोग आपस में बात करके निपटा लेते हैं, मगर इन्होंने वो भी नहीं माना क्योंकि वे लोग अपने शक्ति के नशे में चूर थे। उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग शक्तिशाली है, हम सरकार को जैसे दबाना चाहेंगे वैसे दबा सकते हैं, मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि सरकार जो है वो ऐसे नहीं दबेगी। और अब जो आने वाले समय में इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, इसके जो प्रत्याघात पड़ने वाले हैं वो भी बहुत ही भयंकर पड़ने वाले हैं। और हमें सब फुटेजेस, सब इमेजेस अवेलेबल है, इन लोगों को चुन चुन कर इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो जो है किसी भी राज्य का हो। प्लस यहाँ एक भी मुद्दा ये है कि हम लोग कृषक की बात करें तो भारत तो कृषक प्रधान देश है, ठीक है, तो अगर कृषकों को आपत्ति होगी तो पूरे देश के कृषकों को आपत्ति होगी। तो कहाँ गए कर्नाटक के वो किसान, कहाँ गए केरला के वो किसान, कहाँ गए राजस्थान गुजरात के वो किसान, कहाँ गए हैं महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में तो सुसाइड होती है, इतनी सुसाइड्स होती है, तो वे कहाँ गए, ठीक है, कि मात्र खेती पंजाब और हरियाणा के एक छोटे से क्षेत्र में होती है। ये तो कुछ ऐसा सीन हुआ। तो यहाँ से भी हमें ऐसा लगता है कि दरअसल यह जो मूवमेंट थी उसको फ्यूल एंटी इंडियन एलिमेंट्स के द्वारा मिल रहा है। अगर कृषकों को आपत्ति होती तो मणिपुर, नागालैंड, मेघालय के कृषकों को आपत्ति होती, पश्चिम बंगाल के कृषकों को आपत्ति होती, ओडिशा के कृषक को आपत्ति होती, या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के कृषक को आपत्ति होती, मगर यह आपत्ति मात्र और मात्र पंजाब व हरियाणा के कृषकों को ही है। तो यहाँ से भी हमें लगता है कि एंटी इंडियन एलिमेंट्स का रोल यहाँ कुछ रहा है। साथ ही में अब ये एनर्की के बाद अब इन लोगों के, उन लोगों के बीच में भी अब दरारें पड़ रही है। हरियाणा वाले जो है वे अपने आप को पंजाब से अलग कर रहे हैं कि भाई हम लोग हिंसा के पक्ष में नहीं है, हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं है, ये तो पंजाबी कृषक थे या पंजाबी उपद्रवी थे जिन लोगों ने लाल किले पर फतेह करने की गुंजाइश किया, फतेह करने का प्रयास किया, ठीक है। जैसे हमने विजुअल्स देखे कि ये साले लाल किले के बीच में ट्रैक्टर घुमा रहे थे, ठीक है, तो ये साबित क्या करना चाहते हैं वो ही समझ नहीं आ रहा था। प्लस इन लोगों को जो दिल्ली पुलिस ने पहले तो इन लोगों को परमिशन दी, ठीक है, कि भाई आप लोग शांतिपूर्ण रूप से अपनी परेड जो है, अपनी रैली जो है वो निकाल सकते हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है। मगर इन लोगों ने जो डेजिग्नेटेड रूट दिया था, जो रूट के ऊपर दोनों पक्षों ने एग्री किया था, वो रूट से वे लोग निकल गए और दिल्ली में घुसने की बात करने लगे। जब इन लोगों को रोका गया तो वहां से
हिंसा की शुरुआत हुई। इन लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए है, प्लस ट्रैक्टर भी चलाकर पुलिस वालों को रेंगने जो है रेंगने का प्रयास किया। जो कुछ हो सकता है इन लोगों ने किया, जो कुछ हो सकता है इन लोगों ने किया था, तो ये थोड़ी शर्मजनक बात है। मगर जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खराब होने वाले हैं, आज दिन तक दिल्ली पुलिस ने कुल मिलाकर 22 FIR रजिस्टर कर दी है, ठीक है। और इसके इसके ऊपर जो एक्शन है वो भी जो है बहुत ही त्वरित ही लिया जाएंगे। प्लस होम मिनिस्ट्री को भी दिल्ली पुलिस ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो भी उसको हैंड ओवर कर दी है होम मिनिस्ट्री को, कि इस तरह कुछ हिंसा जो है या इस तरह कुछ ऐसी घटनाएं जो है वो दिल्ली में हुई थी 26 जनवरी 2021 के दिन। तो ये बात रही एंटी इंडियन एलिमेंट्स की। अब अगर चौथी बात करें किसान टुडे, तो जिसकी हिंट भी मैंने आपको दे दी कि 25 जनवरी तक जो किसान था उसकी जो इमेज थी वो एकदम वैनिश हो गई। किसान टुडे वो एकदम वैनिश हो गई। जो सिंपथी थी पूरे पूरे राष्ट्र से यह किसानों को मिल रही थी, यह कृषकों को मिल रही थी, वो एक ही झटके में जीरो हो गई। और पूरा देश आज यह पूरे आंदोलन को एक एंटी इंडिया मूवमेंट के तौर पर देख रहा है, क्योंकि हमने 26 जनवरी को ही ऐसी कुछ जो है चीजें देख ली थी, ठीक है। प्लस जो सिंपथी थी, जो मैंने बताया कि यह हमारा अन्नदाता है, हम लोग जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, यानी कि जवान को जितना हम लोग मान सम्मान देते हैं, वो जवान की जो अपने जो है अपने मृत्यु किसी अपरिचित लोगों के रक्षा के लिए न्योछावर कर देता है, सर्वोच्च बलिदान देता है, हम उस जवान के साथ किसान की तुलना करते हैं, ठीक है, और हमारे सर पर बिठाते हैं। मगर अब यह जो सिंपथी थी या आप कह लीजिए यह जो मान सम्मान था जो कि भारतवासियों के द्वारा किसानों को दिया जा रहा है पिछले हजारों वर्षों से, अब उसमें कमी नहीं संदेह आ सकती है। अब किसानों को देखना है कि वो अपनी इमेज जो है वो कैसे सुधारे, क्योंकि बिगड़ी भी उन लोगों के हिसाब से ही है तो सुधारनी भी उनको ही पड़ेगी, तो अब ये उनके हाथ में है। मगर कहने का तात्पर्य यह है कि जो सिंपथी इन लोगों को मिल रही थी पूरे इंडियन डेमोग्राफी से, वो सिंपथी में कमी नजर आएगी। और हम ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, अगर हम सोशल मीडिया में देखें, सोशल मीडिया में ऐसी फुटेजेस की अगर कमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो कई सारे ऐसी कमेंट्स भी आ गई है जो हमें निष्कर्ष निकालने पर मजबूर करती है कि अब जितनी सिंपथी 25 जनवरी तक थी इतनी अब नहीं रही है। ऐसी कमेंट आ रही है कि यह किसान जो है वो ठीक है कि अनाज उगाता है और हम इसलिए खा पाते हैं, मगर ये मुफ्त में तो अनाज नहीं देता, वी आर पेइंग फॉर इट एंड इट्स अ जॉब, अ फार्मर्स जॉब इज अ सेम जॉब एज लाइक अदर जॉब्स, एज लाइक द जॉब ऑफ अ टीचर, एज लाइक अ जॉब ऑफ अ कोबलर और अ गोल्डस्मिथ, ठीक है। तो ऐसी बातें जो है वो भी निकलने लगी है। तो ये दरअसल सच्चे भारतीयों का, भारतवासियों का गुस्सा है, जो गुस्सा इन लोगों को ऐसी फुटेजेस को देखने के बाद मिला कि लाल किले के ऊपर आप जाओ, उसके अंदर तोड़फोड़ करो, सिक्योरिटी पर्सनल व दिल्ली पुलिस के जवानों को मारो, और उसके ऊपर जो है एक रिलीजियस फ्लैग होस्ट करो, तो ये एक प्रकार की अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, एक ऐसी बात है जिसके सामने कानूनी कार्यवाही समय की मांग है और कानूनी कार्यवाही होनी ही चाहिए, और सख्त सख्त मैं तो कहता हूँ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही यहाँ इनके ऊपर होनी चाहिए। प्लस यह 26 एक की जो हिंसा हुई थी, इस हिंसा से यह जो फार्म प्रोटेस्ट था वो भी दुर्बल बन गया, वीकेंड। तो जो सच्चे फार्मर्स थे, जो सच्ची तरह से शांतिपूर्ण रूप से प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले 2 महीनों से, उनको क्या समझना है, उनका नाम भी खराब हो गया, उनकी मेहनत पर पानी फिर गया सिर्फ कुछ उपद्रवियों से जो कि भारत विरोधी थे, जिनको फंड भारत विरोधी देशों से मिलता था, मेनली पाकिस्तान से मिलता था। और हमारे पास कई सारे एविडेंस भी है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यस, जो फंड्स आए थे वे दरअसल बाहर से आए थे। और ऐसे कई सारे लोग भी हैं जो भारत में बैन है, सिख लोग हैं जो भारत में बैन है, ऐसे संगठन के साथ जुड़े हुए जो संगठन भी भारत में बैन है,
ठीक है, तो उनका भी, उनकी भी सक्रियता यह पूरे मामले में, यह पूरी हिंसा में देखी जा सकती है। तो देखना यह है कि अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इसके ऊपर, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जय हिंद।